नमस्ते, वेलकम टू जेविन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। होप आप सभी अपने घरों पर सेफ हैं। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। माय नेम इज कमल ठाकुर, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी एट ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पेडागॉजी ऑफ ज्योग्राफी। इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बारे में हमने थोड़ा पढ़ा था, इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने किया था। उसमें हमने ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए थे, किस तरह से ऑब्जेक्टिव्स को हम अंडरस्टैंड करते हैं और किस तरह से ज्योग्राफी को हम अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, टीचिंग ऑफ ज्योग्राफी बेसिकली वी विल स्टडी। तो इंट्रोडक्शन हो गया था। अब नेक्स्ट इज ज्योग्राफी मीनिंग। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी? ओके, एज वी नो द डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी इज़ when we study about the earth surface and its all features on it. Okay, so this is the geography meaning of geography. The first person to use the word geography was Eratosthenes, and literally means writing about the earth. The word can be divided into two parts, geo and graphy. Geo means the earth, graphy refers to writing. It merely refers to the earth and its writing about the earth as it was said at that time by the Eratosthenes. ठीक है, Eratosthenes जो थे वो, इनको father of geography भी बोला जाता है। ठीक है, he was the father of geography because he has explained first of all about the geography in scientific manner. ठीक है, तो इन्होंने सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ भी निकाला था। ठीक है, अपनी कंप्लीट मेजरमेंट के साथ। तो इनकी जो मेजरमेंट थी वो एक्यूरेटली मेजर था अकॉर्डिंग टू दैट टाइम। वो 5th BC के टाइम से अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग उनने ये पता किया था। ठीक है, तो इनको ज्योग्राफर माना जाता है उस टाइम का, और ये फादर ऑफ ज्योग्राफी भी माने जाते हैं। ठीक है, so today geography means much more than writing about the earth, but its difficult discipline to define geography is a fascinating subject. ठीक है, अब ये एक restricted field तक नहीं रह गया कि मतलब हम इसको describe कर रहे हैं, only earth को describe कर रहे हैं। ठीक है, we are having different branches of geography and geography is interrelated with other subjects as well. ठीक है, अदर सब्जेक्ट्स के साथ भी हम पढ़ते हैं इसको, और ज्योग्राफी का एक डायमेंशन जो है एक्सपेंड हो रहा है। एज टाइम चेंजेस, एक्सपेंशन ऑफ ज्योग्राफी इज आल्सो चेंजिंग डे बाय डे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है? ज्योग्राफी ड्रॉज फ्रॉम अक्रॉस द फिजिकल, कल्चर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल स्फेयर्स टू द लोकल एंड द ग्लोबल। ज्योग्राफी क्या करता है? ये हर फेज को कवर कर रहा है। ठीक है, ये फिजिकल को भी कर रहा है, कल्चर इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को भी कर रहा है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को भी कर रहा है, लोकल एंड ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, ऑल ओवर द अर्थ जो है हमारा ये ज्योग्राफी जो है इंटर रिलेटेड है इन सभी एस्पेक्ट्स से। ठीक है, इसमें हम फिजिकल में आपका आ जाता है, जैसे ज्योग्राफी को क्या किस में डिवाइड करते हैं, क्लाइमेटोलॉजी आ गया हमारा, जियोमॉर्फोलॉजी आ गया। क्लाइमेटोलॉजी में हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं, वेदर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ऑल द एक्टिविटीज ऑफ वेदर क्लाइमेट इसमें हम स्टडी करेंगे। और हमारा जियोमॉर्फोलॉजी आ गया, उसमें हम करते हैं स्टडी ओनली अबाउट द लैंड फॉर्म्स किस तरह के हैं, प्लेटू, प्लेन्स, आइलैंड्स, इस तरह से जो भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इकोनॉमिक एस्पेक्ट। इकोनॉमिक में क्या होता है, जैसे हम वी स्टडी अबाउट द रिसोर्सेज, मनी एट्सेट्रा। ठीक है, तो रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, रिसोर्सेज का यूज़ कैसा है, वो इकोनॉमिक हो गया। ठीक है, पॉलिटिकल ऑब्वियसली वी आर हैविंग बॉर्डर्स एंड वी आर हैविंग बाउंड्रीज ऑफ द नेशन, ऑफ द स्टेट्स, दैट इज़ डिवाइडेड बाय द ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे बनती है वो बॉर्डरीज, ऐसे नेचर ने तो कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया है उसका। ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल स्पेयर में जो होता है वो डिस्टिंक्शन किया जाता है डिफरेंट कंट्रीज़ के द्वारा। ठीक है, तो उसको वो पॉलिटिसाइज करते हैं और मैप्स जो बनते हैं वो स्टडी किस में होती है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में होती है। ठीक है,
नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ ज्योग्राफी. स्कोप ऑफ ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी टूडे कवर्स अ वास्ट फील्ड एंड कंप्राइजेज मैनी ब्रांचेज ऑफ स्कॉलरशिप इन इट्स फोल्ड. ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं और ये बहुत सारी चीज़ों को कवर करती है. लाइक द बी इट सक्स हनी फ्रॉम एवरी फ्लावर. ठीक है, क्या मीनिंग है इसका? लाइक द बी इट सक्स हनी फ्रॉम एवरी फ्लावर. ठीक है, जैसे एक मधुमक्खी होती है वो हर फूल से रस खींच लेती है. ठीक है, सिमिलरली ज्योग्राफी इज़ हैविंग इट्स इम्पॉर्टेंट लाइक अ बी. ठीक है, ये भी एक बी की तरह काम करती है और हर एस्पेक्ट को ये अपने में जोड़ लेती है. ठीक है, दैट इज़ द स्कोप ऑफ ज्योग्राफी, बिकॉज वी विल फाइंड ज्योग्राफी एवरीवेयर. हर जगह हमें ज्योग्राफी मिलेगी. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, इट्स सब्जेक्ट मैटर कंसिक्वेंटली लैंड्स टू एंड बोर्स इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ साइंटिस्ट एंड स्टूडेंट्स ऑफ सोशल साइंसेज. ठीक है, जो चेंजिंग एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी के, वो एक इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स में भी और साइंटिस्ट में भी. ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. देन फिजिकल साइंसेज लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इसमें भी हमारी ज्योग्राफी का जो है रोल आता है. ठीक है, एंड एस्ट्रोनॉमी ऑन द वन हैंड एंड नेचुरल एंड ह्यूमनिस्टिक स्टडीज़, जो ये हमारी नेचुरल साइंसेज होगी जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होगी. ठीक है, तो इनमें भी आता है, लेकिन ये ह्यूमनिस्टिक में भी आता है. ठीक है, क्योंकि अब जब ह्यूमन जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा है नेचर को, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी को ह्यूमन इफ़ेक्ट कर रहा है, तो ये रिलेशन बन जाता है मैन एंड एनवायरनमेंट रिलेशन. ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ हैविंग इम्पोर्टेंस विद द मैन ऑल्सो. ठीक है, ज्योग्राफी हैज़ इट्स ओन यूनिट टू स्टडी द रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. सो दिस वॉज इट फॉर टूडे. If you are having any question regarding this, you can ask in the comment box. Okay, this session was powered by digital version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Feminist University. Thank you.